साथियों, इस समय मैं चुनावी प्रचार अभियान में गहलू गांव में हूं और मैंने देखा कि यहां भारतीय संविधान की रचयिता, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, यहां ये स्टैचू लगी है गहलू गांव में। तो सर्वप्रथम मैं गहलू गांव के सभी ग्रामवासियों को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके की अथक प्रयास से बाबा साहब की ये स्टैचू यहां लगी हुई है। साथियों, ये बड़े ही गर्व का विषय है और बड़े ही सम्मान का विषय है कि आज हम गहलू गांव में मौजूद हैं और यहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा से आपको रूबरू करा रहे हैं। गहलू गांव के सभी जन, गहलू गांव के सभी निवासी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ये सोचा कि बाबा साहब की स्टैचू लगनी चाहिए, क्योंकि संविधान रचयिता हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के प्रतीक हैं। जहाँ जहाँ हमें ज्ञान की आवश्यकता है, वहाँ वहाँ बाबा साहब का ज्ञान सर्वोपरि है। साथियों, बाबा साहब ने सभी के लिए कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो बाबा साहब ने संविधान रचा, लिखा और उसमें जो संविधान की प्रस्तावना है वो मैं आपको सुनाऊंगा, जिससे कि हम संविधान के बारे में जान सकेंगे कि आखिर संविधान में लिखा क्या है। तो जानिए, हम जो कहेंगे उसको आप लोग रिपीट करेंगे, आप लोग दोहराएंगे, ठीक बेटा? जब हम कहें हम, तो आप लोग भी हम कहिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। धन्यवाद।